आज के वक्त में चश्मा पहनने से बचने के लिए अक्सर लोग कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा फैशन इंडस्ट्री से लेकर फिल्म इंडस्ट्री में भी लेंस का इस्तेमाल खूब किया जाता है। लेकिन पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस जैस्मिन वसीम की कॉन्टैक्ट लेंस के कारण आंखों की कॉर्निया खराब हो गई। अब सवाल ये उठता है कि क्या कॉन्टैक्ट लेंस आंखों के लिए नुकसानदायक होता है। आज हम आपको कॉन्टैक्ट लेंस से जुड़ी एक ऐसी घटना बताने वाले हैं जो हाल ही में एक एक्ट्रेस के साथ हुई है। बता दें कि टेलीविजन इंडस्ट्री का जाना माना नाम जैस्मिन वसीम, जिन्हें हाल ही में बिग बॉस और खतरों के खिलाड़ी जैसे बड़े रियलिटी शोज में भी देखा गया, उनकी लेंस के कारण उनकी आंखों का कॉर्निया टेम्पररी डैमेज हो गया और उन्हें दिखाई देना बंद हो चुका है। बता दें कि इसकी जानकारी खुद जैस्मिन ने दी थी। उन्होंने बताया था कि 17 जुलाई के दिन वो एक इवेंट में गई थी जहां उन्हें लेंस लगाना पड़ा था। लेंस लगाने के कुछ देर बाद ही उनकी आंखों में दर्द होने लगा था। इसके बाद उनकी स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि उन्हें दिखाई देना भी बंद हो गया। इसके बाद जैस्मिन को अस्पताल लेकर जाया गया जहां उनका इलाज हुआ। हालांकि अब जैस्मिन की हालत पहले से काफी ठीक है और उनका इलाज जारी है। बता दें कि चश्मे से बचने के और आंखों को स्टाइलिश और आकर्षक दिखाने के लिए कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल तेजी से दुनिया भर में बढ़ता जा रहा है। लेकिन सच ये है कि लेंस का इस्तेमाल करने से कई बार आंखों में गंभीर समस्या होने लगती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक लेंस को साफ सफाई से नहीं रखने के कारण भी या गलत तरीके से पहनने के कारण आंखों में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इससे बैक्टीरिया, वायरस या फंगस के कारण आंखों में सूजन, जलन, लालिमा, खुजली, दर्द या फिर यहाँ तक की दृष्टि हानि भी हो सकती है। यानी आपकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है। उनके बॉयफ्रेंड अली गोनी भी इसमें उनके काफी ज्यादा सहायक बने। जी हाँ, जैस्मिन वसीम ने दरअसल सोमवार को एक नोट शेयर किया जिसमें उन्होंने बताया कि अली गोनी ने किस तरह से इस मुश्किल घड़ी में उनका साथ दिया। आपको बताएंगे कि जैस्मिन वसीम ने अली गोनी के लिए क्या स्पेशल नोट छोड़ा और उन्होंने अली गोनी के बारे में क्या बताया, कैसे अली गोनी ने इस दौरान जैस्मिन वसीम का पूरा साथ दिया है, उसको लेकर जैस्मिन वसीम ने अपना क्या बयान दिया, आपको बताएंगे। उससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर जैस्मिन को ये कब हुआ और कैसे। दरअसल जैस्मिन वसीम को दिल्ली में एक इवेंट अटेंड करना था। इवेंट के दौरान उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट लेंसेस पहने थे। वहीं कॉन्टैक्ट लेंसेस पहनने के बाद उन्हें आंखों में इरिटेशन होने लगी और उनकी आंखें पूरी तरह से लाल हो गई। इसके बाद उन्हें तुरंत ही वो कॉन्टैक्ट लेंसेज उतारने पड़े। बता दें कि उनको कुछ भी टेम्परेली दिखाई देना बंद हो चुका था। उसके बाद उन्होंने वो पूरा इवेंट सनग्लासेस पहनकर किया। जी हाँ, जैस्मिन ने कहा कि मैंने पूरा इवेंट में सनग्लासेस पहन रखे थे। मेरी टीम मुझे इवेंट में हेल्प कर रही थी क्योंकि एक वक्त के बाद मैं तो कुछ देख भी नहीं पा रही थी। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि इस घटना के बाद उसी रात एक्ट्रेस को आई स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ा। वहां डॉक्टर ने बताया कि उनकी आंखों का कॉर्निया डैमेज हो चुका। इसके बाद एक्ट्रेस की आंखों पर बैंडेज लगाया गया था, जिसके बाद एक्ट्रेस मुंबई लौट आई है और अपनी आंखों का इलाज आगे करवा रही। वहीं बता दें कि जैस्मिन ने वो पूरा इवेंट चश्मा पहनकर अटेंड किया था। वहीं नागिन 4 की एक्ट्रेस ने अब अपने बॉयफ्रेंड अली के साथ एक प्यार भरा मोंटाज वीडियो साझा किया जिसमें उनकी छुट्टी और फोटोशूट के अनदेखे पलों को दिखाया गया। बता दें कि अली गोनी और उनका ये रिश्ता बिग बॉस के हाउस से अभी तक चलता आ रहा है और जिस तरह अली गोनी ने उनके इस मुसीबत के वक्त में उनका साथ दिया है, उसके बाद जैस्मिन वसीम ने उनके लिए एक प्यारा सा वीडियो मोंटाज बनाकर उनको धन्यवाद दिया। इस पर आपके क्या व्यूज है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरह की तमाम बॉलीवुड की खबरों को जानने के लिए बने रहिए बॉलीवुड केसरी के साथ। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।